भगवान शिव को कहने पर भगवान शिव ने पांच मुखी रूप धारण किया, पंचमुखी शिव प्रकट हो गए। और जैसे ही पंचमुखी शिव प्रकट हुए, शिव ने पांच पौधे प्रकट किए, पहला भांग, दूसरा धतूरा, तीसरा समी, चौथा आग, आग जानते ना समी, और दुर्वा घास। भगवान सदाशिव ने वरदान दिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लाल चंदन से त्रिपुंड लगाकर जो भांग के केवल पत्ते चढ़ाएगा, धतूरे का फल चढ़ाएगा, अकवा का आग का फूल चढ़ाएगा और समी पत्र का डंठल समेत पत्ते चढ़ाएगा, और दुर्वा घास का क्या चढ़ाओगे? अंकुर। सबसे ऊपरी भाग जिसको दुर्वांकुर कहते, अंकुर। ये पांच चीजें भगवान को चढ़ा दी, लेकिन तीनों देवताओं की शक्ति से उसी नारायण के जल में ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की शक्तियां जब एकत्रित हुई तो एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। कल की कथा में बताया था उस वृक्ष का क्या नाम रखा? बेलपत्र। जो बेलपत्र चढ़ा देगा, भगवान कहते हैं कि बेलपत्र को चढ़ाने मात्र से ही त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदेवम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बेलपत्रम शिवार्पणम। इस तरह भगवान की पूजा करना है। जैसे ही शिवजी ने अपनी पूजा का रहस्य बताया तो विष्णु ने कहा, ब्रह्मा सबसे पहले हम ही इसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा? जोर से बोलो, शिवलिंग की। पूरे त्रिलोकी में सबसे पहली पूजा ज्योतिर्स्तंभ के रूप में काशी विश्वनाथ की सबसे पहली पूजा किसने सुनी? गणेश किया। किसने पूजा का उद्घाटन किया? ब्रह्मा विष्णु ने। याद रखना, विष्णु जी ने हाथों की अंजलि बना ली, बर्तन नहीं थे, लोटा नहीं था, दोनों हाथों की अंजलि ज्योतिर्स्तंभ के शिवलिंग पर बनाई। ब्रह्मा जी अपने हाथ से विष्णु जी की अंजलि में जल डालते रहते थे और अखंड जल धारा से भगवान शिव सदा शिव का अभिषेक किया गया। विश्वनाथ का पहली पूजा हुई। जल के बाद लाल चंदन घिसकर ब्रह्मा विष्णु ने लाल चंदन से त्रिपुंड लगाया। भगवान शिव की कृपा से पारिजात नाम के पुष्प प्रकट हुए, फूल चढ़ाए और एक एक बेल पत्र ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। और चढ़ा करके ब्रह्मा विष्णु ताली बजा बजा के, झूम झूम के, नाच नाच के भोलेनाथ को मना रहे थे। आप कितने लोग हैं जो भोलेनाथ को मनाना चाहते हैं? तो झूमिए, नाचिए, गाइए और कहिएगा मेरे साथ, जय महादेव हरे शिव, जय महादेव हरे, ओ जय महादेव हरे, ओ शिव जय।